अगस्त क्रांति अमर रहे, अगस्त क्रांति अमर रहे, छत्तूगिरी अमर रहे, अमर रहे, छत्तूगिरी अमर रहे। राष्ट्रीय युवा जन जागरण सेवा संस्थान द्वारा आयोजित शहीद नमन कार्यक्रम संपन्न हुआ। सिवान के शहीद सराय में 13 अगस्त 1942 में हुए तीन शहीद छट्टू गिरी, बच्चन प्रसाद एवं झगरू शाह के शहादत दिवस पर सिवान के कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आज श्रद्धा सुमन अर्पित की। शहीद स्तंभ पर तिरंगा पुष्प चक्र, संस्था के संयोजक पूर्व नगर पार्षद देवेंद्र गुप्ता, जेपी सिरानी, महात्मा बाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संपर्क प्रमुख प्रोफेसर रविंद्र पाठक, स्काउट गाइड के जिला आयुक्त अभिषेक कुमार सिंह, राष्ट्र सृजन अभियान के राष्ट्रीय सचिव ललितेश्वर कुमार एवं आर्य समाज के जिला मंत्री संजीव कुमार ने पुष्प चक्र शहीद स्थल पर समर्पित किया। इस अवसर पर जेपी सिरानी महात्मा भाई ने कहा कि इन शहीदों के बदौलत आज हम सभी खुले वातावरण में आजादी का सांस ले पा रहे हैं। राष्ट्र से जन अभियान के राष्ट्रीय सचिव ललितेश्वर कुमार ने कहा, आजादी की लड़ाई में सिवान की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। प्रोफेसर रविन्द्र नाथ पाठक ने बताया, आजादी के इन क्रांति वीरों की बदौलत भारत की आजादी हम सबको प्राप्त हुई है। अभिषेक कुमार सिंह ने कहा, शहीद हमारे सदा पूजनीय और वंदनीय है। संस्था के संयोजक देवेंद्र गुप्ता ने कहा कि 1942 का अगस्त क्रांति, अंग्रेजों भारत छोड़ो, गांधी जी का नारा करो और मरो का सिवान के आंदोलनकारियों ने पूरे जिले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए इस पूरे 42 के अगस्त में लगभग 2 दर्जन लोगों ने अपना बलिदान दिया और देश की आजादी में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 13 अगस्त 1942 में अगस्त को जो क्रांति, 9 अगस्त को अगस्त क्रांति, महात्मा गांधी ने नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो करो और मरो की स्थिति में देश के लोग आंदोलित हो गए थे। उसी क्रम में सिवान में स्वतंत्रता आंदोलनकारियों ने सिवान के देवगढ़ पर अंग्रेजी हुकूमत का झंडा उखाड़ फेंका था और भारत का आन बान शान तिरंगा वहाँ लहराते हुए यहाँ पर जो उस समय का जुबली सराय था, वर्तमान में जो शहीद सराय है, वहाँ तिरंगा फहराया और एक सभा चल रही थी जिसमें अंग्रेजी हुकूमत ने आके यहाँ गोलियाँ चलाना शुरू कर दिया था। उसमें हमारे सिवान के 3 लाल छट्टू गिरी जी, बच्चन प्रसाद जी और झगरू शाह जी, 3 लोग अपने आप को यहाँ बलिदान किए थे और उन शहादत की आग में पूरा सिवान और देश आंदोलित हुआ। तब जाके देश आज़ादी के सांस हम लोग ले पा रहे हैं। उन्हीं बलिदानियों के बदौलत हम लोग आज़ादी के रूप में मना रहे हैं और सांस ले पा रहे हैं। परिचय दीजिए। देवेंद्र गुप्ता, राष्ट्रीय युवा जन जागरण सेवा संस्था का संयोजक सिवान। 13 अगस्त के अमर शहीदों की स्मृति में ये स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष के कार्यक्रम के नियंत्रण में हम लोग समझ सकते हैं कि अंग्रेजों ने एक झूठा प्रचार किया था कि देश के राजाओं का विद्रोह था। ये सिवान में, ये कीर्ति स्तंभ में लगे हुए नाम बता रहे हैं कि जन सामान्य स्वतंत्रता के लिए कितना उद्विग्न था, उत्साहित था और लोगों ने अपने जान की परवाह नहीं की और स्वतंत्रता के आंदोलन में लगे रहे। इसी क्रम में, इसी स्थल पर इन 3 व्यक्तियों की निर्मम हत्या अंग्रेज सरकार के पुलिस द्वारा कर दी गई, लेकिन उसके बावजूद ये सतत आंदोलन चलता रहा और 15 अगस्त 1947 आते आते देश स्वतंत्र हुआ। देश स्वतंत्र हुआ, लेकिन स्वतंत्रता के साथ साथ जिस गति से विकास की आवश्यकता थी वो आज भी अपेक्षित है, इसलिए कि जन आवश्यकता के लिए जो शिक्षा, स्वास्थ्य और बाकी जन सेवाएं जो उपलब्ध होनी चाहिए थी उसमें बहुत काम बाकी है और तब हर व्यक्ति अपने को स्वतंत्र महसूस करे तो भारत का पुराना लक्ष्य सा विद्या या विमुक्ते, वो व्यवस्था या विद्या व कला जो मुक्ति की ओर लेके जाती है, ये स्वतंत्रता भारत के जन जन के मन में है और ये प्रयोग में आ जाए, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना। परिचय दीजिए। रविन्द्रनाथ पाठक, अवकाश प्राप्त विभाग अध्यक्ष, डीएवी कॉलेज। बताइए। 13 अगस्त 1942 को शहीद 3 सेनानियों की स्मृति में आज हम लोग यहाँ शहीद स्मारक पर इकट्ठे हुए हैं और पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। इसके लिए आयोजक कर्ता बंधुओं का बहुत बहुत आभार और आशा है प्रत्येक वर्ष पिछले वर्षों की तरह कार्यक्रम आयोजित होती रहे, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं। अपना परिचय दीजिए। ललितेश्वर कुमार, राष्ट्रीय सचिव राष्ट्र जन अभियान। बताइए। 42 के अमर शहीदों की
शहादत दिवस के अवसर पर श्रीमान पूरे देश में अग्रणी रहा और आज आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अपने इन वीर सेनानियों को पुष्पांजलि अर्पित करने का मौका मिला मुझे। मैं अपने आप को भाग्य समझता हूं। महात्मा भाई जीरादेई सिवान जेपी सेनानी। शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही आखिरी निशा होगा। राष्ट्रीय युवा जन जागरण सेवा संस्थान के तत्वाधान में प्रत्येक वर्ष आज शहीद दिवस के अवसर पर, शहादत दिवस के अवसर पर हम लोग यहाँ इकट्ठे होकर और तीनों शहीद जो यहाँ सभा करते हुए शहीद हो गए थे उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और निश्चित तौर पर जो शहादत उन्होंने दिया देश की आज़ादी में, आज लगता है फिर एक उस तरह के आंदोलन की जरूरत है। आपने देखा होगा अभी सिवान का जो दाह नदी पे जो पुल बना हुआ है, अंग्रेजों के समय बने पुल को तोड़ना पड़ा नए निर्माण के लिए, और एक पुल 10 बरस में ही टूटने के कगार पे है। तो ये जो लूट खसोट, जो भ्रष्टाचार, आज पूरा शिष्टाचार बना हुआ है, इसके खिलाफ एक बहुत बड़े जन आंदोलन को, फिर छट्टूगिरी और झगड़ू साहब जैसे लोगों को यहाँ एकत्रित होकर और अपनी लड़ाई को लड़नी होगी, ताकि जो उन्होंने जो कुर्बानी दी उसके सही मानने में रक्षा की जा सके। परिचय दीजिए। अभिषेक कुमार सिंह, अध्यक्ष रामदेव विचारना।